स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फ्लेटिंग नॉलेज और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं, जिसमें हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली हालिया कशीदगी की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, बरसगीर को तकसीम हुए 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के आपस के तलकात को बेहतर ना बनाया जा सका। पाक भारत तलकात में कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है, जिसको हल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुतअद्दद बार मज़ाकरात की पेशकश की जा चुकी है, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी मुस्बत रद्द अमल नहीं आया। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक हल करने की हमायत की, लेकिन भारत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबाने की नाकाम और मज़मूम कोशिशों में मसरूफ़ है, और वो इसी जुनून में कश्मीर में रियासी दहशतगर्दी जारी रखे हुए है, और इसमें दिन ब दिन तेज़ी भी आती जा रही है। इस मसले को लेकर अक्सर पाक भारत बार्डर पर फ़ौजों की झड़पों का सिलसिला भी जारी रहता है। मुतअद्दद बार दोनों ममालक के दरमियान जंग बंदी का माहदा तय पाया, लेकिन भारत ने हमेशा सीज़ फायर के माहदों की खिलाफ वर्जी की, और भारत जब भी पाकिस्तान की तरफ से मैली आंख से देखता, पाक फ़ौज के बहादुर और जज्बा शहादत से सरशार जवान उनको मुंह तोड़ जवाब देते। ISPR की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस साल अब तक 1824 मरतबा सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 16 शहरी शहीद और 105 जख्मी हो गए। लेकिन जंगी जुनून में मुबतला भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की शहरी आबादी पर क्लस्टर बम फेंके, जिसके नतीजे में 2 अफराद शहीद और 11 जख्मी हो गए। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स के चीफ स्पोक्समैन मेजर जनरल आसिफ गफूर ने क्लस्टर बम की एक तस्वीर दिखाते हुए कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी शहरी आबादी पर क्लस्टर बम फेंककर जिनेवा मुआहदा और इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी की, जिस पर भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा बुलाकर शदीद एहतजाज भी किया गया, ताहम भारत क्लस्टर बम की बमबारी से ताहाल इनकारी है। नाजरीन, वैसे तो तमाम हथियार ही ख़तरनाक होते हैं, लेकिन क्लस्टर बम एक नहायत ही ख़तरनाक हथियार है, जिसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि ये बम बहुत ज़्यादा इलाके को अपनी लपेट में ले लेता है, और दूसरी ख़तरनाक बात यह है कि क्लस्टर बम के असरात और नुकसानात जंग के बाद कई दहाइयों तक जारी रहते हैं। क्लस्टर बम आम तौर पर लोगों को हलाक करने, गाड़ियों को तबाह करने, सड़कों और इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को तबाह करने, और केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों को गैर मौसर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तक तकरीबन 31 ममालक क्लस्टर बम को अपने हथियारों में शामिल कर चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, जापान और रूस सर फहरिस्त हैं, लेकिन 31 में से सिर्फ 25 ममालक इस बम को मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन जिन ममालक ने अभी तक क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, जो पाकिस्तान की अमन पसंदी का मुंह बोलता सबूत है। भारत की तरफ से पाकिस्तानी इलाके में हालिया कार्रवाई का भरपूर जवाब देने और मौजूदा कशीदगी को कम करने के लिए पाक फ़ौज के ताज़ा दम दस्ते बार्डर पर पहुँच चुके हैं। अल्लाह हमारे फौजी जवानों के अज़म को सलामत रखे और पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन।